इंदौर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक बेलगाम स्कूल वैन ने एक मासूम बच्ची को कुचल दिया है। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे के बाद बच्ची की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में अब पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर स्कूल वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां अपने घर के बाहर 9 वर्षीय आशीष खेल रहा था। अभी अचानक से पीछे आई बेलगाम स्कूल वैन ने उस बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया। परिवार और आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और परिवार की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर 72 वर्षीय आरोपी स्कूल वैन ड्राइवर प्रताप सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर स्कूल वैन भी जब्त कर ली है। सुनिए इस पूरे मामले में थाना प्रभारी सतीश द्विवेदी ने क्या बताया। देखिए, ये 21 तारीख की घटना है। जनता क्वार्टर में शाम के समय एक स्कूल वैन से एक 9 वर्षीय बच्चा जो है दुर्घटना होकर घायल हुआ था। इस संबंध में जब सूचना प्राप्त हुई तो अस्पताल में के बच्चा ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसी रात को उस बच्चे की डेथ हो गई। आशीष से पिता गणेश शर्मा नाम का ये बच्चा था जिसकी मृत्यु हुई। इस मामले में हमने मर्ग कायम कर लिया था। मर्ग जाँच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल परदेशीपुरा की जो मिनी वैन है MP094FA4339, इसके चालक ने ये दुर्घटना कारित की है। इस मामले में हमने मर्ग की जांच के उपरांत प्रकरण पंजीबद्ध किया और इसमें स्कूल मिनी वैन को जब्त कर लिया और चालक प्रताप सिंह ठाकुर जो 70 वर्षीय है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और मामला विवेचना में है। देखिए, चालक को जब गिरफ्तार किया तो बता रहा था कि जब वो जा रहा था तो शाम का समय था, वहाँ कई सारे बच्चे खेल रहे थे। सामने से 2 बच्चे उसे आते हुए दिखाई दिए तो उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन उन बच्चों पर था और वो 2 बच्चे तो बाएँ और दाएँ से साइड से निकल गए। और चालक का कहना था कि चूँकि पूरा फोकस उसने उन बच्चों पर था तो वो इस बच्चे को देख नहीं पाया कि वैन के पास एक और बच्चा है और वो बच्चा उस गाड़ी से टकराया और इस तरीके से दुर्घटनापूर्वक उसकी मृत्यु हुई। चालक को अरेस्ट कर लिया।